Hello everyone, in the series of Patent Act 1970, now we are going to discuss the section 1992-103, that is use of inventions by central government. कि central government को कोई चीज़ या कोई invention का जो है use करना है तो कैसे करेगी. तो section 99 एक general चीज़ बता रहा है कि क्या होता है use of invention by central government. तो इसमें बता रखा है अगर कोई भी चीज़ जिसका government use ले रही है, government use लेती है उसको उसके लिए made, used, excised और vended, और अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज़ कोई भी इन्वेंशन को मेड कर रही है, यूज्ड कर रही है, एक्साइज कर रही है, उससे रिलेटेड कोई राइट या फिर कोई वेस्ट वेंडेड कोई चीज़ है, मतलब सेल या परचेज वाली जो चीज़ है अगर वो वाला काम करती है गवर्नमेंट तो वो अलाउड है. और फिर इसमें आगे बात करी है कि अगर जो सेक्शन 47 में बात करी है कि कोई मशीन, कोई ड्रग, कोई मेडिसिन जो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट अपने लिए पहले एक्स्ट्रा बनवाती है और अगर आप वो चीज़ बनाते हैं गवर्नमेंट तो ये तो ऑलरेडी गवर्नमेंट का राइट है. इसको इस तरह की इन्वेंशन के लिए गवर्नमेंट के पास पहले ही राइट होता है, ये यूज़ करने के लिए नहीं होती है, गवर्नमेंट के लिए पास पहले ही होती है. तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी यूज़ कर ली है, ये सारी इसमें नहीं मानी जाएगी. फिर सेक्शन आता है 100 बात करता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू यूज़ इन्वेंशन फॉर पर्पज ऑफ गवर्नमेंट. कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी जिस इन्वेंशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है उसको यूज़ करने की, उसमें बता रखा है कि कोई भी अगर इन्वेंशन जो कि अभी जिसके लिए एप्लीकेशन फाइल करी है या फिर कोई ऐसी इन्वेंशन जिसके लिए पेटेंट ग्रांट हो चुका है, उन दोनों ही कंडीशंस में गवर्नमेंट है यूज़ कर सकती है. फिर उसमें बात करें कि अगर कोई एप्लीकेशन जिसके अभी प्रायोरिटी डेट आई नहीं है, प्रायोरिटी डेट आने से पहले, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की प्रायोरिटी डेट आने से पहले, मतलब कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का ये चीज़ है कि जब आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर देते हैं तो उसके बाद आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना होता है विद इन 12 मंथ्स, और अभी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन 12 मंथ वाली जो डेट है वो अभी नहीं आई है. तो उससे पहले अगर गवर्नमेंट को कोई चीज़ टेस्ट करनी है या फिर कोई रिकॉर्ड करना है डॉक्यूमेंट या फिर ट्राई करनी कोई चीज़ कोई इन्वेंशन को, तो वो गवर्नमेंट कर सकती है. उसके लिए गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पेनल्टी या फिर कोई बेनिफिट उस पर्सन या फिर जिसके नाम पे वो पेटेंट है उसको देना पड़ेगा. फिर उसमें आगे बात करिए अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा एग्रीमेंट करा है कि उसको यूज़ करना है या उसको ट्राई करना है, उसको टेस्ट करना है या फिर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है लेकिन अभी तक उसने नहीं करा है, तो वो सारा जो है कि एग्रीमेंट के थ्रू होगा और वो सारा एक कम्युनिकेशन के थ्रू उस पेटेंट ही या फिर जो ओनर है जिसके नाम पे पेटेंट है उसको बताया जाएगा. और अगर कोई कंडीशन इनमें ब्रीच होती है तो वो सेक्शन 103 जो है उसमें हाई कोर्ट के रेफरेंस से यहाँ पे लिया जाएगा. तो सेक्शन 103 में बता रखा है कि हाई कोर्ट अपनी कंसिडरेशन के हिसाब से उसमें बेनिफिट जो देखेगा कि गवर्नमेंट सही है या फिर वो पेटेंट ही सही है, दोनों में जिसका राइट ब्रीच हो रहा है उसके राइट को वोटिंग करेगा. फिर भी बता रखा है कि जो रेमुनरेशन और जो रॉयल्टी दी जा रही है किसी भी पर्सन को जो पेटेंट है या फिर जिसके नाम पर पेटेंट है वो एडिक्वेट होनी चाहिए, मतलब जितनी उसकी इकोनॉमिक वैल्यू में जितना यूज हो रहा है उसको पेटेंट का आप उतनी ही वैल्यू में उसको रेमुनरेशन या फिर जो सैलरी है या जो बेनिफिट दे रहे हैं वो देना. फिर ऐसी आगे बात करें कि अगर आप किसी पर्सन को ऑथराइज कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर सकती है या फिर कोई भी पर्सन जो ऑथराइज है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो ऑथराइजेशन के लिए बात करना चाहिए. अगर किसी पर्सन को ऑथराइज किया है तो वो भी उस चीज को यूज कर सकता है, बना सकता है, रेकग्नाइज कर सकता है, बैन कर सकता है. फिर इसमें आगे बात करी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जब वो कोई भी चीज़ यूज़ करेगी तो उसको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा पेटेंट या फिर जो अदर पर्सन जिसके नाम पर पेटेंट है कि हम इतने टाइम का यूज़ करेंगे और इतना यूज़ करेंगे, तो टाइम टू टाइम जितना ज़रूरत है रीजनेबल रिक्वायर उस पर्सन को बताना पड़ेगा, एक अंडरटेकिंग मतलब एक रिटर्न फॉर्म में उसको देना पड़ेगा लिख के. और जो गवर्नमेंट है उसको अगर कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है इमरजेंसी है या फिर कोई अर्जेंसी है तो इन कंडीशन में ऐसी कोई जरूरत नहीं, इन कंडीशन में जितना गवर्नमेंट यूज़ करना चाहिए इन्वेंशन का कर सकती है. लेकिन वो जो गवर्नमेंट है उसको नॉन कमर्शियल यूज के लिए यूज़ करना पड़ेगा हमेशा, कोई भी इन्वेंशन अगर यूज करेगी तो. फिर इसमें आगे बात करेंगे कि राइट टू मेक, यूज, एक्साइज और वेंड ऑफ एन इन्वेंशन फॉर पर्पज ऑफ गवर्नमेंट. तो जब कोई भी राइट टू यूज है, एक्साइज भी या फिर मेड है या वेंडेड है, वेंडेड कौन होता है सेल करना, तो जो गवर्नमेंट अगर ऐसा कोई राइट यूज़ कर रही है तो वो ऐसा मान के चलेगी राइट टू सेल ऑन नॉन कमर्शियल बेसिस, तो उसके पास जो राइट है वो नॉन कमर्शियल बेसिस सेल का होगा. फिर जिस परचेजर को गुड्स सोल्ड कर रही है मतलब जो गुड्स ले रहा है वो भी इस चीज़ का इन्वेंशन का यूज़ कर सकता है. और गुड्स हैव बीन मेड इन एक्साइज ऑफ दैट, जो जो गुड्स एक्साइज करने पर राइट एक्साइज करने पर बने हैं वो सारे गुड्स तो यहाँ पर माने जाएंगे. और ये गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट का ऑथराइज पर्सन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो दोनों कर सकते हैं. उसके बाद इसमें बात करी है कि जो भी सैलरी, जो भी रेमुनरेशन या फिर जो भी रॉयल्टी दी जाएगी वो अगर किसी भी सपोज मान लीजिए कि पेटेंट के लिए किसी पर्सन को लाइसेंस ऑथराइज है, तो जो एक्चुअल जो ट्रू फर्स्ट इन्वेंटर है और जो पेटेंटी है और जो लाइसेंस होल्डर है लाइसेंस के लिए,
इनमें ये इक्वल प्रोपोर्शन में जितना जिसने यूज किया है, जितने जितने इन्वेंशन को बनाने में टाइम लगाया है, उस हिसाब से उसको जो रेमुनरेशन है वो दिया जाएगा। और अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी तो फिर वो हाईकोर्ट में जाकर डिस्कस हो सकती है। सेक्शन 101 बात करता है राइट ऑफ थर्ड पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ इन्वेंशन फॉर पर्पस ऑफ, इसमें बता रखा है कि जब थर्ड पार्टी मतलब ना गवर्नमेंट ना जो पेटेंटी होल्डर है, जो पेटेंट होल्डर है वो ना पेटेंटी, इनके अलावा जो अदर पर्सन है और अगर वो यूज कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, तो इसमें बता रखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो पेटेंटी है इनको छोड़ के लाइसेंसी असाइनमेंट एग्रीमेंट जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है तो ये कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं बना सकते गवर्नमेंट और जो पेटेंटी है कि ये रिस्ट्रिक्ट कर दें गवर्नमेंट के पर्पस को या रेगुलेट कर दें इसे कि आप इसका यूज़ ऐसे नहीं करोगे और इतना यूज़ नहीं करोगे, वैसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना सकते। दूसरा ये है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि मेरे इन्वेंशन के लिए आपको इतना पेमेंट देना ही पड़ेगा, ये आप क्लेम नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट और आपके बीच में एक एग्रीमेंट होगा जहाँ पे दोनों जो है एग्री हो जाएंगे तो आपको पेमेंट मिलेगा। फिर ये है कि गवर्नमेंट आपके उस चीज़ के लिए कोई भी इन्वेंशन कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकती है आपकी इन्वेंशन के लिए, तो आपको देना पड़ेगा, कॉल कर सकती है। और फिर इसमें यह है कि जो गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ आप पे यूज़ कर रही है आपके डॉक्यूमेंट का, तो आप वहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते कि इन्होंने आपका कॉपीराइट ब्रीच किया है, ये आपका कॉपीराइट ब्रीच हुआ है, ऐसा आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्यूमेंट हमेशा कॉपीराइट पे बना जाएगा। फिर बात आती है कि जो भी रॉयल्टीज़ या बेनिफिट दिए जाएंगे वो लाइसेंसी और सबों को दिए जाएंगे, वो सबों में इक्वल प्रपोर्शन में होंगे, और अगर कोई भी उनमें प्रॉब्लम आती है तो वो हाईकोर्ट की 103 के उससे डील हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट और जो पेटेंटी है पेटेंट होल्डर या लाइसेंसी है उनके एग्रीमेंट से होता है, और इनमें अगर एडिक्वेट नहीं मिलता है तो वो जा सकते हैं। फिर इसमें आगे बात करें कि अगर सपोज मान लीजिए कोई लाइसेंसी है और लाइसेंसी ने उसके पेटेंट के डेवलपिंग स्टेज में कोई काम करा है, या फिर उसको रॉयल्टीज़ और जो अदर बेनिफिट मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं उस लाइसेंस होल्डर को जितने मिलने चाहिए थे, तो वो हाईकोर्ट में जा सकता है सेक्शन 103 में। फिर सेक्शन 102 बात करता है एक्विजिशन ऑफ इन्वेंशन और पेटेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इन्वेंशन जो है या कोई भी पेटेंट है, इन्वेंशन मतलब ये है कि अभी उसकी एप्लीकेशन फाइल हुई है, पेटेंट मतलब ये है कि जिस इन्वेंशन के लिए पेटेंट ग्रांट हो चुका है तो उसको एक्वायर करना चाहे तो एक्वायर कर सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है ये नेसेसरी एक्वायर करना तो वो एक्वायर कर सकती है। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा ऑफिशियल गजट में, ये जो एप्लीकेशन है या फिर ये इन्वेंशन है इसको हम एक्वायर करना चाहते हैं, और उसके बाद वो जो नोटिस होगा वो एप्लीकेंट को दे दिया जाएगा। और फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस नोटिस के लिए जब नोटिस दे दिया जाएगा उस पर्सन को, तो उस पर्सन को कुछ रेमुनरेशन कुछ पेमेंट भी देगी उसके बिहाफ पे कि आपने ये जो इन्वेंशन बनाई है इसकी पेमेंट दो, और अगर एग्रीमेंट करेंगे कि इतना इन्वेंशन के लिए जो आपको पेमेंट मिलना चाहिए इतना मिलना चाहिए, और अगर उस एग्रीमेंट में कोई डिफॉल्ट होगा तो हाईकोर्ट में सेक्शन 103 आप उसमें जा सकते हैं, वहाँ पे आपको पेमेंट मिल जाएगी। अगर वो पेटेंटी जा रहा है तो पेटेंटी के राइट्स को मिल जाएगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जा रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेक्शन 103 जहाँ पे हमेशा हाई कोर्ट की बात करिए, रेफरेंस टू हाई कोर्ट टू ऑफ डिस्प्यूट एज टू यूज़ ऑफ पर्पस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पर्पस के लिए अगर हाई कोर्ट में कोई डिस्प्यूट होता है तो क्या बात होती है, तो इसमें बता रखा है कि कोई भी पार्ट पेमेंट का अगर कोई भी रिसीव करने या पेमेंट करने में या फिर एक्विजिशन जब कर रही है गवर्नमेंट तो उसके बीच में अगर कोई डिफॉल्ट हो रहा है तो ये हाई कोर्ट के पास पावर है, और वो हाई कोर्ट एज मे बी नेसेसरी और जैसा प्रिस्क्राइब्ड है रूल्स में उस सबके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना डिसीजन देगा। उसके बाद इसमें बात करी है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कोई पेटेंट है वो कुछ पिटीशन ला रहा है उसके अगेंस्ट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी पिटीशन के बिहाफ पे उस चीज़ को रिवोक करवा सकती है, जो कि सेक्शन 64 में बात करी है रिवोकेशन ऑफ पेटेंट की, कि अगर कोई पेटेंटी है जो मना कर रहा है फिर कोई इसी पिटीशन फाइल करता है तो उसके बिहाफ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन फाइल करके हाईकोर्ट में और उसका पेटेंट को रिवोक करवा सकती है कोई भी ग्राउंड पे। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है या तो रिवोक करवा दे या फिर उसकी जो वैलिडिटी है उस पर इशू कर दे कि ये वैलिड है या नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। फिर इसमें बात करिए आगे कि सेंट्रल ओपिनियन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर कोई भी चीज़ ऐसे पब्लिक के काम आ रही है तो रिकॉर्ड हो रही है टेस्ट या ट्राइड हो रही है तो वो म्यूचुअली एग्रीड होने चाहिए दोनों में कि हाँ हम इस चीज़ को करने में एग्री हैं, वो पर्सन पेटेंटी और वो सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के एग्रीमेंट से होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हाई कोर्ट का क्वेश्चन आ जाएगा और हाई कोर्ट फिर इसमें अपना डिसीजन देगा, और जो हाई कोर्ट का डिसीजन होगा वो होगा। फिर इसमें बता रखा है कि हाई कोर्ट जो है वो अदर ऑफिशियल रेफरेंस या फिर कमिश्नर या फिर कोई आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट कर सकता है किसी भी केस को डील करने के लिए। फिर इसमें बता रखा है कि अगर कोई पर्सन जो एम्प्लॉई है सेंट्रल गवर्नमेंट का और उसकी इन्वेंशन होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश ये करेगी कि वो सारी जो इन्वेंशन हो रही है जो पर्सन है जिसके लिए, तो वो हाई कोर्ट में ना जाते हुए वो गवर्नमेंट खुद ही उसका सारा केस सॉल्व कर सके और उसको इतना अमाउंट जो है एडवोकेट जो अमाउंट है उसका वो रेम्यूनरेशन है या रॉयल्टी वो पे कर दी जाए,
और कम से कम चांस मिले कि कोई भी जो केस है वो हाई कोर्ट में जाए और उसको एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसकी बात सुनने के लिए, उसकी बात रखने के लिए कि वो क्यों सेटिस्फाई नहीं है इस चीज़ से कि वो अपनी इन्वेंशन को सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहता है. दीज आर द सेक्शन फ्रॉम 99 to 103. थैंक यू वेरी मच.